हे ऑल फिटनेस लवर, मैं हूँ आशीष सातरकर, आप सभी का फिटनेस ट्रेंड। ये वीडियो चेस्ट वर्कआउट के लिए, बिगनर्स लोगों के लिए। तो आज हम लोग चेस्ट वर्कआउट करेंगे और वो बिगनर्स के लिए होगा। डांस तो कर, एक डांस तो कर, एक नैना करना एक डांस। चलिए जिमला हम लोग जिम में। थोड़ा जल्दी आया है, मैं बहुत लेट आता हूँ जिम में आता हूँ, बट खाना के फटाफट में आ गया हूँ क्योंकि वीडियो बनाना था बिजनेस लोगों के लिए। क्योंकि मेरे दोस्त मुझे बहुत बार बोलते हैं कि हम लोग साथ में जाए तो क्या करें क्या करें। उनको मैं 10 बार बोलता मेरा वीडियो चेक करें, पर वो करते नहीं है। पर ये बार मैं अच्छे से वीडियो बनाऊंगा ताकि उनको मैं बोलूंगा कि वीडियो चेक करना और उनको सब पता चल जाए कि क्या क्या करना है। तो पहले स्टार्ट में हमें बिजनेस लोगों के लिए पहले स्टार्ट में हमें वार्म अप करना है। तो वार्म अप में नॉर्मली हम लोग को नेक रोटेशन, हैंड रोटेशन, वेस्ट रोटेशन ये सब कर लेना है। ओके, तो आज चेस्ट वर्कआउट है। तो चेस्ट वर्कआउट के लिए थोड़ा ऐसे स्ट्रेच करना है, हैंड से थोड़ा सा स्ट्रेच वगैरह करना है। ओके, और बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, हम लोग वार्म अप पे ही बहुत सारा पुशअप कर लेते हैं। तो वैसे नहीं करना है, हमारा पूरा एनर्जी वहाँ पे ही वेस्ट हो जाता है। तो पुशअप्स हम लोग लास्ट में करेंगे। हम लोग फाइव वेरिएशंस करेंगे चेस्ट वर्कआउट के लिए। तो स्टार्ट में मैं तो मेरा वार्म अप बहुत अलग है। मैं स्किपिंग करता हूँ, डांस करता हूँ, स्किपिंग के साथ बहुत मजा करता हूँ, हैंड स्टैंड पुशअप्स करता हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या वार्म अप करता हूँ। चलो, पहले तो मैं 5 मिनट जॉग करता हूँ, डेली जॉग करता हूँ 5 मिनट्स, क्योंकि मुझे आदत ही है पहले से ही। मैं तो मुझे जॉग करना बहुत पसंद है, बहुत ही पसंद है। बट पूरा टाइम जॉब करूंगा तो मेरा एनर्जी यहाँ पे ही वेस्ट हो जाएगा और मैं वहाँ पे वेट लिफ्टिंग में प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं दे पाऊंगा मेरा। आप लोग स्टार्ट में 2 मिनट्स ही जॉब करना, सिर्फ 2 मिनट्स जॉब करना। ऐसे करता हूँ मैं वार्म अप, आप ऐसे मत करना। आप ये एडवांस वार्म अप है, बट आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा जॉग हो गया 2 मिनट्स के लिए, नॉर्मल स्किपिंग्स हो गए हमारे 50 स्किपिंग्स हो गए और नॉर्मल 10 पुशअप्स हो गए, बस इतना ही करना है हमें और फिर स्टार्ट करना है हमारा वर्कआउट। चलो, एक बॉटल और एक नैपकिन कैरी करना है जिम में। डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन से बॉडी अच्छे से गेन करेगी। जो भी करते हैं डिसिप्लिन के साथ ही करना है हमें। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट में चेस्ट प्रेस करेंगे, फिर इंक्लाइन प्रेस करेंगे, डिक्लाइन प्रेस करेंगे, फिर पेक डेक पे स्क्वीज करेंगे चेस्ट को, और उसके बाद लास्ट में हम लोग पुशअप्स करेंगे, नॉर्मल पुशअप्स और डायमंड पुशअप्स करेंगे। डायमंड पुशअप्स तो एडवांस लेवल में आ जाता है, तो नॉर्मल पुशअप्स ही कर लेंगे हम लोग। ओके, तो इतना सब कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। चेस्ट प्रेस करेंगे हम लोग, और हम लोग 20 रेपिटेशन करेंगे। 20 पहले नॉर्मल करेंगे हम लोग, पहले बार का वेट हम लोग पहले चेक कर लेंगे, उसके बाद हम लोग 20, 18 और 15 के रेपिटेशन करेंगे। फर्स्ट वेरिएशन हमारा चेस्ट प्रेस है। तो स्टार्ट में हमें शोल्डर लेवल से वाइड पकड़ना है और बार को यहाँ तक लाना है, चीन तक लाना है, एंड देन प्रेस अप। आप लोग थोड़ा नॉर्मल स्पीड में भी कर सकते हो, बहुत स्लो करने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट में विदाउट वेटिंग करना है, क्योंकि बैलेंस चेक करना है, प्रॉपर बैलेंस हो रहा है, कहाँ पे टच नहीं हो रहा है, टच नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी टच नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट करके स्ट्रेट ही लाना है। बस एक बार कॉन्फिडेंस आ गया तो हम लोग उसमें अपनी वेट हाई कर लेंगे। बिगनर हो तो नॉर्मल वेट ही लेना, बट मैं हम लोग इसके 20 रेपिटेशन करेंगे।
अभी 30 सेकंड रेस्ट लेना है और फिर नेक्स्ट रेपिटेशन करना है। अभी हम लोग इंक्लाइन डंबल प्रेस करेंगे, तो उसके लिए बेंच को सेट करना है। बेंच को ऐसे तरीके से सेट करना है कि प्रेशर हमारे चेस्ट पे आएगा, ओके। मोस्ट प्रोबेबली 3 पे रखना है, 1, 2 और 3 पे रखना है, मैंने 4 पे रख दिया था। और ऊपर लेंगे तो वो प्रेशर शोल्डर पे लाएगा, ठीक है। तो चेस्ट के लिए कर रहे हैं, इसके लिए 1 पे करना ही रखना है। बिगनर्स रहेंगे तो लाइट वेट से ही करना, लाइट वेट से ही करना, लाइट वेट से इतना ही करना, डू दिस ओनली। पुश पे स्लोली डाउन, प्रेस पे, और चीज चेंज प्लीज करना। इसके हमें 3 रेपिटेशन करना है, 20, 18 और 15 के बाद में वेरिएशन चेंज करना है। ये होने के बाद डिक्लाइन डंबल प्रेस करना है, सेम है बट बेंच को पूरा नीचे लेके जाना है, पूरा नीचे लेके जाना है, वो भी सेम लाइट वेट ही लेना है। और लेग्स को यहाँ पे लॉक करना भूलना नहीं, वरना पीछे गिर जाओ। और आपको है ना स्लोली पीछे जाना है, स्लोली गो बैक, स्लोली ऐसे फास्ट नहीं जाना है, स्लोली गो बैक। और डंबल्स को हमेशा ऐसे रखना है, ऐसे नहीं रखना, कीप योर डंबल्स लाइक दिस, गो स्लोली बैक एंड प्रेस योर डंबल्स अप, स्लोली डाउन प्रेस अप, स्लोली डाउन प्रेस अप, सेम लाइक अ इंक्लाइन डंबल प्रेस। सेम इसके भी सेम 20, 18 और 15 रेपिटेशंस करने हैं, और बिटवीन टू रेपिटेशंस आपको 30 सेकंड का रेस्ट लेना है, और 2 मिनट्स के बाद वेरिएशन चेंज करना है, ओके। नाउ बैक लेग करेंगे हम लोग, चेस्ट को स्क्वीज करना है, और ये थर्ड होल पे ही रखना है ये, क्योंकि उससे प्रॉपर हमें चेस्ट पे ही प्रेशर फील होगा। थर्ड होल पे रखना है, और ये सिटिंग पोजीशन जो होगा ना उसको स्ट्रेट करना है, स्ट्रेट करना है। अभी देखो ये जो बार है ना वो परफेक्ट एल्बो पे नहीं आ रहा, तो मुझे सीट को थोड़ा सा नीचे नहीं रखना है, ऐसे फाइंड करते हैं, ऐसे फाइंड करते हैं हमारे हाइट लेवल कितना होना चाहिए, ओके। और हल्का सा आगे आना है, नेक्स्ट को क्लोज रखना, चेस्ट अप, चेस्ट अप एंड गो बैक एंड स्क्वीज योर चेस्ट लाइक दिस and feel the pressure on your chest. Light weight ही करना है, beginner हो तो beginner के लिए light weight ही करना है। Same 18 और 15 repetition. और last variation है, हमें push-ups करने हैं। push-ups हमें नॉर्मली 10 के 3 रेपिटेशन करना है। आप बिगनर हो तो 10 इनफ है, वरना क्या होगा घर पे जाके बहुत सारा पेन होगा यहाँ पे, और फिर आपका स्किप हो जाएगा नेक्स्ट डे। इसलिए नॉर्मली 10 के 3 रेपिटेशन करने हैं हमें लाइक दिस, एंड ऑलवेज कीप योर बैक स्ट्रेट एंड फोल्ड योर एल्बो, गो डाउन एंड अप स्लोली, ऐसे स्लोली करना। ऐसे 3 रेपिटेशंस करना, और ये ज़रूर ट्राई करना, मैंने बहुत इजीली आपको एक्सप्लेन किया है सब कुछ, और मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा बिगनर्स के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, खास मेरे दोस्तों के लिए जो मुझे 10 बार पूछते हैं, और शेयर करना मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो यार, और बहुत मेहनत लगती है। अभी मेरे साथ ओमकार है इसलिए मैं बहुत अच्छे से वीडियो बना पा रहा हूँ, वरना ओमकार नहीं होता। ये देखो ओमकार है मेरे साथ, शर्मा रहा है थोड़ा,
ये देखो ओमकार है मेरे साथ, ओमकार है इसलिए वीडियो अच्छे से बना पा रहा हूँ। अकेले से नहीं होता ये सब, एक जन लगता है हमें सपोर्ट के लिए, और हमेशा सपोर्ट के लिए कोई ना कोई लगता है। अकेले से कुछ नहीं होता है, होता है पर सपोर्ट चाहिए यार, आपका भी सपोर्ट चाहिए। मेरे वीडियो को शेयर कर दो और लाइक करो, स्प्रेड इट आउट। We'll be right back.